सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर नागरिक विकास मंच गिरिडीह द्वारा प्रत्येक वर्ष उसी नदी के तट पर संकल्प दिवस के रूप में किए जाने वाला नदी का पूजन एवं आरती का कार्यक्रम संपूर्ण लॉकडाउन के कारण आज नागरिक विकास मंच के कार्यालय शिवपुरी में पूजा एवं आरती का कार्य संपन्न हुआ। विदित हो कि आज ही के दिन गंगा मैया हरिद्वार में जमीन पर आई थी, इसलिए पवित्र गंगा एवं सभी धरोहर नदियों को स्वच्छ बचाव करने का हम सभी का दायित्व एवं कर्तव्य बनता है। गिरिडीह नगर के जीवन रेखा उसरी नदी के खत्म हो रहे अस्तित्व को बचाने एवं विकास हेतु 6 सूत्री मांग यथा नदी में जा रहे गंदे पानी को नदी के ऊपरी भाग में 100 फीट बनाकर रोकने, नगर निगम क्षेत्र में सतही जल एवं निर्मित पुल के पिलर के कटाव को देखते हुए बालू उठाव पर रोक लगाने, शहर का सतही जल बरकरार रखने हेतु नदी में 4 से 5 चेक डैम बनाने, वृक्षारोपण एवं जॉगिंग पार्क का निर्माण, नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराना, विद्युत सौदा गृह का निर्माण कराना से संबंधित मांगों को लेकर नागरिक विकास मंच द्वारा वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में उपायुक्त, नगर आयुक्त, उप महापौर, महापौर, नगर विकास विभाग से मंच के प्रतिनिधि द्वारा वार्ता कर अनेकों पत्र दिए गए। इस क्रम में नगर निगम गिरिडीह द्वारा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को चेकडैम का प्राकलन बनाने, अंचल अधिकारी को नदी का सीमांकन करने, खनन विभाग को बालू उठाव पर रोक लगाने से संबंधित पत्र देते हुए उसके प्रति मंच को उपलब्ध कराई गई। साथ ही 100 फीट बनाने, जॉगिंग पार्क तथा विद्युत सौदा गृह के निर्माण के लिए आश्वासन प्राप्त होते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्य नहीं हुआ। इस क्रम में मंच का प्रतिनिधिमंडल संबंधित विभाग से संपर्क कर पुनः ज्ञापन सौंपेगा तथा जब तक जनहित में उस कार्य को नहीं हो गए तब तक मंच का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। चंदन पांडे के साथ दुर्गा शर्मा की रिपोर्ट। तट पर नागरिक विकास मंच गिरिडीह द्वारा उसरी नदी के बचाव एवं उसके विकास को लेकर संकल्प दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष नदी के तट पर पूजा एवं आरती का कार्यक्रम किया जाता रहा है। उसी क्रम में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहने के कारण मंच के शिवपुरी कार्यालय में पूजन एवं आरती का कार्यक्रम मंच के साथियों के साथ किया गया। जैसा कि विदित है कि गंगा मैया आज ही के दिन हरिद्वार में धरती पर आई हुई थी और उस पवित्र गंगा सहित जितनी भी उसरी नदी और मन्य तमाम नदियां हैं उनको स्वच्छ रखना, उसका बचाव करना हम सभी नागरिकों का दायित्व कर्तव्य बनता है। इस क्रम में नागरिक विकास मंच पिछले कई वर्षों से लगातार इस क्रम में 6 सूत्री मांग यथा नदी में जा रहे गंदे पानी को रोकने के लिए 100 फीट का निर्माण करना, नदी में बने हुए ब्रिज के पिलर के कटाव तथा नाला का रूप होते हुए देख कर करके नदी से बालू के उठाव पर रोक तथा शहर के जल सतह को बरकरार रखने के लिए 4-5 चेक डैम का निर्माण करने, जॉगिंग पार्क का निर्माण करने, नदी को अतिक्रमण मुक्त करने तथा विद्युत सौदा गृह के निर्माण से संबंधित मांगों को लेकर कर करके उपायुक्त गिरिडीह, नगर निगम तथा नगर विभाग झारखंड से संपर्क किया जाता रहा। इस क्रम में अनेकों आश्वासन भी मिले हैं और नगर निगम द्वारा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई को प्राकलन तैयार करने के लिए आपको ब्लॉक में दिया गया था सीमांकन करने के लिए तथा खनन विभाग को बालू उठाव के रोक पर लगाने की बात कही गई थी और उससे संबंधित पत्र भी नागरिक विकास मंच को उपलब्ध कराए गए थे। जहाँ तक 100 फीट बनाने का और पौधारोपण वगैरह की बात जो पर्यावरण की दृष्टि से है उस संबंध में उन लोगों के द्वारा आश्वासन मिला था, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और नागरिक विकास मंच इसके लिए कृत संकल्पित है